दोस्तों, एक कक्षा में अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे थे। तभी कक्षा के दो छात्र आपस में झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देख अध्यापक ने पूछा, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? सर, ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है, एक छात्र बोला। सर, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? ये जो कह रहा है वो गलत है, ऐसे में इसकी बात सुनकर क्या फायदा, दूसरा छात्र बोला। इसके बाद दोनों फिर से आपस में उलझ गए। दोनों की सुलह कराने अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों छात्र अध्यापक की डेस्क के पास आकर खड़े हो गए, एक डेस्क के एक और दूसरा डेस्क के दूसरी ओर। अध्यापक ने डेस्क की दराज से एक गेंद निकाली और डेस्क के बीचों बीच रख दिया। उसके बाद वे दोनों छात्रों से बोले, इस गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की है? ये सफेद रंग की गेंद है, पहला छात्र बोला। नहीं सर, ये तो काली है, दूसरा बोला। दोनों के उत्तर एक दूसरे से भिन्न थे, लेकिन दोनों अपनी बात पर अडिग थे। दोनों में फिर तू तू मैं होने लगी। अध्यापक ने दोनों को शांत कर अपना स्थान बदलने को कहा। दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। अब गेंद को देखकर बताओ ये किस रंग की है, अध्यापक ने फिर वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी दोनों के जवाब एक दूसरे से भिन्न थे। अब पहले छात्र ने कहा, सर गेंद काली है, और दूसरे ने कहा, सर सफेद है। लेकिन अब की बार वे खुद अपने जवाब से हैरान थे। अध्यापक दोनों को समझाते हुए बोला, ये गेंद दो रंगों की बनी हुई है, एक तरफ से देखने पर सफेद दिखती है, दूसरी तरफ से देखने पर काली। तुम दोनों के जवाब सही है, फर्क बस तुम्हारे देखने में है। जिस जगह से तुम इस गेंद को देख रहे हो, वहां से तुम्हें यह वैसे रंग की नहीं दिखाई दे रही। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में किसी भी चीज, परिस्थिति या समस्या को देखने का नजरिया भिन्न हो सकता है। ये जरूरी नहीं आपका मत जिनसे भिन्न है वो गलत है, ये बस नजरिए का फर्क है। ऐसे में हमें विवाद में पड़ने के स्थान पर दूसरे के नजरिए को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम किसी की बात बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और अपनी बात बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। दोनों छात्रों को अध्यापक की बात समझ आ गई और दोनों ने अपना झगड़ा बुलाकर सुलह कर ली। सीख, दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां भिन्न हो सकती है, उन परिस्थितियों के प्रति लोगों का नजरिया भिन्न हो सकता है। हम अक्सर किसी भी परिस्थिति को जाने बिना अपनी टिप्पणी दे देते हैं और अपनी बात पर अड़ जाते हैं। ऐसे में विवाद या बहस की स्थिति निर्मित होती है, जो अंततः संबंध बिगड़ने का कारण बन जाती है। इसलिए किसी भी बात पर अपनी टिप्पणी देने से पहले परिस्थिति या मामले की अच्छी तरह जानकारी ले लेना चाहिए। साथ ही यदि मत भिन्नता की स्थिति बने तो दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि विवाद नहीं बल्कि बेहतर संवाद स्थापित हो सके। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।